अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे आज बेलगाम शहर में गणेश विसर्जन मनाया जा रहा है, तो तकरीबन रास्तों को बंद कर दिया गया। अंजुमन की जानिब से अजुमा में ऐलान भी किया गया है कि तमाम मोहल्लों में अमन शांति को बरकरार रखा जाए। अगर कुछ शरारती जानबूझकर कुछ शरारत अंजाम दे भी देते हैं तो मोहल्ले की जमात या कमेटी करीबी पुलिस थाने के अफसरान से राब्ता करे। खैर, ये तमाम तो एहतियाती तदाबीर कह सकते हैं जिनका पास और लिहाज हर साल रखा जाता है। इंतजामिया ने भी पुख्ता बंदोबस्त किया हुआ है। बेलगाम शहर के पुलिस अफसरान भी काफी तजर्बेकार हैं और उन्हें भी मालूम है कि किस जगह पर ज्यादा शरारती अनासिर रहते हैं। हर साल होली हो या फिर गणेश का त्योहार, एक तरह का जहरी दबाव आवाम पर होने की बात दिखी जाती है। बेलगाम शहर को अमन पसंद शहर कहा जाता है, पर पहले कन्नड़ मराठी तनाजा फिर हिंदू मुस्लिम तशद्दुद की तवील दास्तान बेलगाम शहर में देखी गई। टाड़ा जैसे सख्त कानून के तहत भी बेलगाम शहर ने कार्रवाई होते देखा है। खासकर मुस्लिम समाज को निशाना बनाने का नया तरीका अब भाजपा इक्तदार हुकूमतों में देखा जाता है और यही इनकी खुराक भी है। अब जब गणेश त्योहार मनाया जा रहा है तो इंतजामिया तो अपना काम अंजाम देती रहती है, पर कुछ फसादी अमन के माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश बारहा करते रहते हैं। आखिर कौन है यह फसादी और फसाद करने से फायदा किसे होता है, इसका इल्म भी इंतजामिया को होता है, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि जुर्म कोई और करता है और सजा किसी और को मिलती है। जानबूझकर तशद्दुद वाले बयान देकर माहौल को खराब करना जिनका कारोबार है, इन्हें तो साफ बचा दिया जाता है। अब रामसना के मुतालिक का ही देख लो, बिला वजह मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी कर सस्ती मकबूलियत बटोरने के साथ माहौल को भी आलूदा कर जाता है। लिहाजा ऐसे हेट मॉन्गर्स पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। कोई भी किसी भी समाज का हो, अगर नफरत फैलाने वालों को समाज से अलग करने की जिम्मेदारी भी समाज में रहने वाले लोगों की होनी चाहिए। आज नफरत का बाजार सरगर्म है, हर बात में नफरत को बांटने की कोशिश कुछ फिरका परस्त करते हैं। ये फिरका परस्त तब ही पनपते हैं जब इनकी हिमायत में समाज का एक और हिस्सा इनके साथ खड़ा रहता है। अब तो इनके खिलाफ बोलना मतलब मुसीबत को दावत देने के बराबर है। जाहिर है इसी तरह से नफरती माहौल बढ़ता जाता है और इन्हें, यानी कि जो लोग इसके पीछे शय देते रहते हैं, इन्हें इख्तदार तक पहुंचने में भी आसानी हो जाती है। हुबली में जानबूझकर तौहीन आमोज पोस्ट सोशल मीडिया पर करने की वजह से कुछ मुस्लिम नौजवानों ने एहतजाज किया था, लिहाजा इन पर कार्रवाई करते हुए, इस तरह की वारदात आप बीदर में भी देखे होंगे, इस पर कार्रवाई करते हुए 200 के करीब नौजवानों को जेल में UFPA के तहत गिरफ्तार किया गया, तो अब तक जेल में बंद है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार? जाहिर है जब आप संवैधानिक तरीके से एहतजाज करने के बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में आती है और मुस्लिम रहनुमा कुछ नहीं कर पाते, ये भी उतनी ही सच्चाई है। और जवाब में यह कहते हुए देखा जाता है कि हमने जेल में, यानी कि मुस्लिम रहनुमा जवाब में यह बात कहते हैं कि हमने जेल में उन मुस्लिम नौजवानों को खाना पहुंचाया, तो मुस्लिम माशरे के लिए ये बड़ी शर्म की बात है। किसी तरह का तशद्दुद काबिल हिमायत नहीं हो सकता, लेकिन क्या फैसले सिर्फ एक तरफा देते हुए कार्रवाई भी एक तरफा होने लगे तो इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? क्या मुस्लिम रहनुमा या फिर दीनी हो या सियासी, इनकी जिम्मेदारी महज नौजवानों को जेलों में जाने के बाद जेल में खाना पहुंचाना है? क्या गणेश त्योहार का विसर्जन जुलूस मस्जिदों के सामने से गुजरता है तो जानबूझकर पटाखों की आतिशबाजी की जाती है, डीजे या फिर ढोल ताशे पर गाने या नारेबाजी की जाती है, ऐसा कईयों का कहना है। पिछले 11 दिनों के बाद आज विसर्जन किया जा रहा है तो किसी तरह की अनहोनी ना हो इसका ख्याल कुछ लोग कर रहे हैं, तो कुछ शर पसंद अनासिर अपने मौके की तलाश में भी होने की बात सामने आती रहती है। आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, इस तरह के सवाल भी आवाम की जानिब से पूछना लाजिम हो जाता है। मामला इसलिए भी संजीदा है क्योंकि भाजपा अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हुए मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे पर काम करती है और कर भी रही है। आए दिन कर्नाटक में हिजाब झटका मंदिर मस्जिद पर जानबूझकर बयानबाजी करते हुए देखा जाता है, और जब वजीर आला ही हिंदू मुस्लिम तफरका करने लगे तो फिर अकलियतों के दिलों में डर पैदा होना भी लाजिम है। प्रवीण के घर जाकर, बेल्लारी का जो मामला हुआ था, प्रवीण के घर जाकर लाखों रुपए बतौर इमदाद दिए जाते हैं, पर मकसूद का घर महज कुछ ही फासले पर होता है, वहां वजीर आला बुम्बई नहीं जाते। इससे साफ जाहिर होता है कि कर्नाटक में जो इख्तदार पजीर हुकूमत है वो भी धर्म की सियासत अपने सियासी मुफाद हासिल करने के लिए कर रही है। रियासत में बढ़ती तशद्दुद के वारदातें और मुस्लिम रहनुमाओं की खामोशी भी आवाम को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जब हादसा या वारदात रूनुमा होता है तो इसका बड़ा नुकसान अकलियती तबके को ही होता है और यही अब तक देखा गया है। रियासत कर्नाटक में जल्द चुनाव भी होने हैं, फसाद का सीधा फायदा भाजपा को होता है और इसी की बुनियाद पर वोटों का ध्रुवीकरण भी हो सकता है। अब तक तो इसी फॉर्मूले पर भाजपा कामयाबी हासिल करती हुई दिखाई देती है। पहले इतने बड़े पैमाने पर गणेश त्योहार मनाया नहीं जाता था,
पर जैसे जैसे हिंदुत्व की सोच फिक्र का दायरा वसी होता जा रहा है, त्योहारों को और ज्यादा जोर शोर से मनाया जा रहा है। यकीनन भारत में हर मजहब के लोग रहते हैं और संविधान भी अपने मजहब के मुताबिक ईद त्योहारों को मनाने की इजाजत भी देता है, पर त्योहार किसी तशद्दुद का बास ना बने इसे देखना होगा। इससे पहले भारत के मुख्तलिफ जगहों पर त्योहारों को लेकर फसाद बरपा होने की मिसालें देखी जा चुकी हैं। होली हो या कांवड़ यात्रा, गणेश त्योहार, मुहर्रम वगैरह, आखिर कौन लोग होते हैं जो जुलूसों को दूसरे मजहब के मोहल्ले से जानबूझकर गुजारना चाहते हैं, गुजारने की जिद करते हैं? ऐसों पर कार्रवाई जरूरी है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ही लोग मिलकर सुकून अमन के माहौल को फसाद में बरपा करते हैं, कुछ सियासी लीडर भी भड़काने वाले होते हैं। दिल्ली फसाद को भड़काने वाले भाजपा का ही कपिल मिश्रा था, उससे पहले गोली मारने की बात कहने वाला अनुराग ठाकुर ही था। इन पर कार्रवाई तो दूर की बात, मरकजी वजारत में बैठे हुए हैं। लिहाजा यूपी के तहत कर्नाटक में भी नफरत का जहर घोलने की मुस्तकिल कोशिशें फिरका परस्त सोचो फिक्र की सियासी पार्टियां कर रही हैं। आज जब गणेश विसर्जन का त्योहार है तो पूरे मुल्क के साथ रियासत में भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शरारती तत्व यकीनन सरगर्म होंगे। अब इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इन्हें वक्त से पहले गिरफ्तार कर माहौल को बिगड़ने से बचाए, क्योंकि दिगर मजाहिब वालों के लिए तो बहुत सारी पाबंदियां वक्त की लगा दी जाती है, पर यहां तो पूरी रात और दूसरे दिन भी दोपहर तक जुलूस चलते रहते हैं। बेलगाम अंजुमन की जानिब से ऐलान तो किया गया, पर बेहतर होता कि एक टोल फ्री नंबर भी सीधे पुलिस कमिश्नर से जोड़कर मोहल्ले से राब्ता करते रहे। मस्जिदों के सामने सीसीटीवी कैमरों के साथ रिकॉर्डिंग भी होता रहे, ताकि असल मुजरिम भी कैमरे में कैद हो जाए, ताकि बतौर दलील इसे पेश किया जा सकता है। खासकर शहर का बाहरी हिस्सा जैसे वड़गांव, शाहपुर, खासबाग, हुंचनट्टी, टीपू सुल्तान नगर, अंगोल जैसे इलाकों में चौकन्ना रहना जरूरी होता है। खैर, उम्मीद यही करते हैं कि गणेश विसर्जन का त्यौहार भी अमन के साथ गुजरे और शरपसंदों की शरारत नाकाम हो। एक बात जिद्दत से महसूस होती है कि मुसलमानों की दीनी सियासी कायद इंतजामिया हुकूमत के सामने अपनी बात रखने में नाकाम जरूर है, फिर शहरी सतह पर हो या फिर रियासती सतह पर ही क्यों ना हो। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಲೋಕಲ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಡ್ಯೂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂದೇಹ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. मराठी आहे.